Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about animal tissue. हमने अपने last video में पढ़ा था plant tissues के बारे में, आज हम पढ़ने वाले हैं animal tissues के बारे में. So सबसे पहले ये तो आपको पता ही है कि tissue क्या है, it is a group of cell. तो हमारी body में बहुत सारे organs हैं, for example kidney, our liver, our stomach. So इन सब में क्या same ही तरीके के cells हैं? नहीं, इन सब में अलग अलग तरीके के cells हैं जिनकी shape अलग है, जिनके sizes अलग है, प्लस उन सबके फंक्शन तो है ही अलग. सो बेसिकली हम आज पढ़ने वाले हैं कि कौन से टाइप के सेल्स होते हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द एनिमल्स, चाहे वो आपके मैमल्स हो, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो. ठीक है, तो उसके अंदर यानी फाइलम एनिमिलिया के अंदर जो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सेल्स किस तरीके के पाए जाते हैं. ठीक है, सो सबसे पहली बात, तो अगर हम आज पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो एपिथेलियल टिश्यू को अगर हम डिस्कस करते हैं तो एपी का मतलब होता है बेसिकली आउटर वन, यानी आउटर लेयर. तो आज हम एपिथेलियल लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब है आउटर लेयर को हम डिस्कस करने वाले हैं और जिसके अंदर कि क्या होती है एपिथेलियल टिश्यू और उसके कितने टाइप्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है और उसके क्या क्या फंक्शनिंग है, that we are going to discuss. So first of all, epithelium का मतलब outer layer, right? हमारी जो skin है, ठीक है, हम इसे भी बोल सकते हैं epithelial tissue, right? और epithelial layer. So basically ये क्या है? ये compactly packed है, tightly packed है. देखो अगर आप अपनी skin को देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा spaces नहीं है, right? So ये क्या है? Compactly packed है. And basically अगर हम epithelial tissue को divide करें, so we have simple epithelial tissue and compound epithelial tissue. तो simple epithelial tissues जितने भी होते हैं वो generally single layer होते हैं. ये आपको clear करना है कि simple से आप simple as for single layer, और compound में मल्टी लेयर्ड होते हैं, यानी मल्टी लेयर जो आपकी लेयर है दैट इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. और अगर अगर सिंगल लेयर है तो क्या हो जाएगी आपकी? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. सो बेसिकली अगर हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज की बात करें तो इसे फर्दर कितना में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार. अगर हम स्क्वैमस की बात करें, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, तो ये सेल्स कैसे होते हैं? थिन होते हैं और इनकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, राइट? तो ये कुछ इररेगुलर होते हैं, इनकी बाउंड्रीज हमेशा रेगुलर नहीं होती है, राइट? एंड सेकेंड थिंग, इट इज फाउंड इन ब्लड वेसल्स इन लंग्स. हमारी जो आर्टरीज है, हमारी जो वेन्स है, हमारी जो कैपिलरीज है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज. लंग्स में प्रेजेंट होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज. और इनका काम क्या होता है? आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, एक्सक्रीशन कराना और गैसियस एक्सचेंज कराना. अब कहेंगे एक्सक्रीशन कैसे? एक्सक्रीशन तो किडनी करती है. एक्सक्रीशन जैसे स्किन भी एक्सक्रीशन करता है, अगर हम बात करें स्वेट की, ऑयल की, तो वो भी क्या है? एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. तो हम बात करते हैं अगर स्क्वैमस एपिथेलियम की, तो वो भी प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन और गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर हम सेकेंड वाली की बात करें, क्यूबॉइडल, आप सबको पता है क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड की तरीके से तरह से ये सेल पाए जाते हैं और ये भी सिंगल लेयर होते हैं. एज आई टोल्ड यू, सिंपल यानी सिंगल, ठीक है, जितने भी सिंपल टिश्यूज हैं उन सब में सिंगल सिंगल लेयर पाई जाती है. तो सिंगल लेयर फाउंड इन डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स एंड इन नेफ्रॉन्स. जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो कुछ ना कुछ सीक्रेट कर रहे हैं, जो कोई ना कोई हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके अंदर कौन से सेल्स पाए जाते हैं? क्यूबॉइडल एंड नेफ्रॉन्स के अंदर. नेफ्रॉन्स कहाँ होती है? हमारे किडनी के अंदर. तो नेफ्रॉन्स में भी क्या पाए जाते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियल के सेल्स. अगर बात करें तो प्रोटेक्शन देगा ही देगा, साथ में कुछ ना कुछ सेक्रीट कर रहा है, एज आई टोल्ड यू, हॉर्मोन्स या फिर कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंसेस. एब्जॉर्प्शन करेंगे और गैस एक्सचेंज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैसियस एक्सचेंज कौन कर रहा है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम. नेक्स्ट बात करते हैं कॉलमनार एपिथेलियम. कॉलमनार एपिथेलियम के सेल्स कुछ ऐसे होते हैं, लंबे लंबे सेल्स, राइट? और कि कई केसेस में इनके पास सीलिया भी पाए जाते हैं ऐसे, और जिसकी वजह से इन्हें सीलिएटेड एपिथेलियम भी बोल दिया जाता है. एज आई हैव रिटन हियर, सिंगल लेयर, टॉल होंगे और बहुत सारे इसमें माइक्रोवल्लाए होंगे, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, और ये हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं ताकि हमारे इस बॉडी में एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन बहुत इजीली हो जाए.
अगर हम बात करें कॉलमनार एपिथीलियम की तो ये फर्दर कुछ इनके स्पेशलाइज सेल्स हैं, यानी ये फर्दर कुछ स्पेशलाइज सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और वो स्पेशलाइज सेल्स कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं जैसे कि केमिकल्स या फिर हॉर्मोन्स। और वो कौन सिक्रीट कर रहा है? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो सलाइवा कौन सिक्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड। म्यूकस कौन सिक्रीट करता है? गॉबलेट सेल्स। ईयर वैक्स हमारे ईयर में। मिल्क हमारे मैमरी ग्लैंड में, जो फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की कुछ सिक्रीशन हो गई। और बेसिकली ये है क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन से टिश्यूज है? हमारे कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यूज है। और एंडोक्राइन ग्लैंड आपको पता ही है कि वो हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं, जैसे कि पैनक्रियाज है तो इंसुलिन, अगर पिट्यूटरी है तो ग्रोथ हॉर्मोन। तो बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड क्या कर रहे हैं? हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। और लास्ट वन इज क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम। अब हमने सिंपल वाला पूरा क्लियर कर लिया है। हमारे पास सिंपल के इतने सारे टाइप्स थे, 3 टाइप्स है, स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। अब हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम, जो कि सेकेंड एपिथेलियम है। पहला था सिंपल, सेकेंड है कंपाउंड। तो कंपाउंड की बात करें, मैंने शुरू में ही बता दिया था, सिंपल से सिंगल, कंपाउंड यानी मल्टी लेयर, यानी मल्टी लेयर जो एपिथेलियम होगा, जो बहुत सारी तह में होगा, बहुत सारी परत होगी जिसकी, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम। और ये हमें केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाता है, जिसको हमारे ऊपर कोई केमिकल स्ट्रेस है या मैकेनिकल स्ट्रेस है उससे हमारे को रिलीफ देता है या हमें प्रोटेक्ट करता है, और हमारी स्किन को कवर करके रखता है यानी बचाता है। बकल कैविटी हमारे माउथ का जो एरिया है, मुंह खोलते हैं ना उसमें जितना भी एरिया है, इट इज लाइन विद द कंपाउंड एपिथेलियम। एंड आर फारिंग्स रीजन, यहाँ पर भी कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इसको सम अप करें सिर्फ 2 लाइंस के अंदर, तो हम ये बोलेंगे कि एनिमल टिश्यूज बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। मस्कुलर कनेक्टिव हमारा एपिथेलियम, राइट। तो बेसिक एंड नर्वस टिश्यू, नर्वस सेल। तो अगर हम एपिथेलियम की आज बात कर रहे हैं, तो एपिथेलियम 2 टाइप्स का है। एपिथेलियम जनरली कवरिंग में होता है, और एपिथेलियम 2 टाइप्स के, जो इसकी टाइप्स है वो है सिंपल और सेकेंड है कंपाउंड। सिंपल के फर्दर 3 टाइप्स है, कंपाउंड के फर्दर कोई टाइप्स नहीं है, क्योंकि कंपाउंड ऑलरेडी मल्टीलेयर्ड होता है और सिंपल जो है वो एक ही लेयर होगी, सिंगल लेयर होगी, बट वो अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाएंगे जिनके अलग अलग फंक्शंस होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल टिश्यूज। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, फिर कनेक्टिव टिश्यू, एंड लास्ट में नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पूरा का पूरा एनिमल टिश्यू कवर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक you, everyone.